Welcome to the Montessori Complex High School. My name is Ambar Asad and I am your math teacher. This is my presentation number 16. Okay student, this is your index. Today we are doing page number 20, fraction in lower term. Maintain the index and mention the date according to the topic. Review of page number 21. Page number 21 is adding like fraction. ये fraction में आपको like fractions को add करना था. It's a very easy page. I hope you all done this page very well. Review of page number 22. Page number 22 is subtracting like fraction. इसमें आपको subtraction करना था like fractions का. It's a very easy page as page number 21. Okay student, this is your page number 20. Today we are doing page number 20. Do this page neatly with pencil in your book. Okay student, this is your page number 20, fraction in lower term. As you know earlier, there are two parts here, top part and the bottom part. Top part is the numerator and the bottom part is the denominator. Now move to the actual question. This is your actual page. फ्रैक्शन इन लोअर टर्म. इस पेज में आपको फ्रैक्शन दिया गया है और आपने इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लेकर आना है. लोएस्ट टर्म का मतलब क्या है? टू सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन, फाइंड आउट द नंबर दैट डिवाइड बोथ फ्रैक्शन विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. और इन अदर वर्ड्स, इन हूज टेबल वी हैव बोथ 10 एंड 12. इट मीन्स आपको इस फ्रैक्शन को इतना सिंप्लीफाई करना है, कोई ऐसा नंबर तलाश करना है इस फ्रैक्शन के लिए कि जिससे ये दोनों फ्रैक्शन ईजिली डिवाइड हो जाए विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर ना बचे. और दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे कि ऐसा टेबल तलाश कीजिए जिस टेबल में ये दोनों नंबर साथ आ रहे हों, 10 और 12 दोनों साथ आ रहे हों. तो थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा सा तलाश करते हैं कौन से टेबल में दोनों ये साथ आएंगे. 10 और 12, 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12. तो ये दोनों 2 के टेबल में साथ आ रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिवाइड बोथ द फ्रैक्शन बाय 2. 2 से हमें दोनों को डिवाइड करना है. 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12. तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन अब आया सिंप्लीफाई होके? 5/6. 5/6 ऐसा फ्रैक्शन है जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा है किसी भी नंबर से, यानी किसी भी एक टेबल में ये दोनों नंबर साथ नहीं आ रहे हैं. तो इट मीन्स इट्स अ फ्रैक्शन इन लोअर टर्म. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20/50. अब 20/50 बहुत से टेबल में साथ आ सकता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये कौन से टेबल में साथ आता है? 2 के टेबल में ये दो साथ आ सकते हैं. 20/50, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 25 ज़ा 50. 5 के टेबल में दोनों साथ आते हैं. 5 4 ज़ा 20 एंड 5 10 ज़ा 50. 10 के टेबल में भी ये दोनों नंबर साथ आते हैं. 10 2 ज़ा 20 एंड 10 5 ज़ा 50. हमें चाहिए क्या? हमें लोएस्ट टर्म चाहिए, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. तो हम फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म में लाने के लिए हम कौन सा टेबल यूज़ करेंगे? द ग्रेटेस्ट टेबल, जो इन तीनों में सबसे बड़ा टेबल होगा वो यूज़ करेंगे. आपकी बुक में ये देखिए, पेज में पेज नंबर 20 पे ये बॉक्स में लिखा है, अ फ्रैक्शन इज़ इन लोएस्ट टर्म व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर that divides both the numerator and denominator. It means fraction जब lowest term में होगा, जब greatest number से numerator और denominators को divide किया जाएगा. Okay, तो हमारे पास ये तीन table हैं, 2 का table, 5 के table में और 10 के table में. तीनों tables में ये दोनों number साथ आते हैं, 20 भी आता है, 50 भी आता है, but we use 10, table of 10, because हमें लोएस्ट फ्रैक्शन चाहिए. ठीक है, हमें लोएस्ट टर्म चाहिए, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. तो हम ग्रेटेस्ट नंबर जो टेबल है उसको यूज़ करेंगे. डिवाइड बोथ द फ्रैक्शन बाय 10. 10 2 ज़ा 20 एंड 10
5 ज़ 50। नाउ द आंसर इज़ 2/5। 2/5 वो फ्रैक्शन है जो मज़ीद दोनों नंबर यानी 2 और 5 किसी और टेबल में एक साथ नहीं आ रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, 2/4। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आपको साफ नज़र आया कि ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। कौन से टेबल में? 2 के टेबल में। तो डिवाइड बोथ द फ्रैक्शन बाय 2। 2 1 ज़ 2 एंड 2 2 ज़ 4। हमें वो फ्रैक्शन तलाश करना है जो वो या वो टेबल तलाश करना है जो ईज़िली डिवाइड कर दे इन दोनों नंबर्स को, और दोनों फ्रैक्शन एक ही टेबल में आना बहुत ज़रूरी है। ओके, द फ्रैक्शन जो आंसर हमारे पास आया 1/2 आया है। ये 1 और 2 किसी और टेबल में एक साथ नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स ये फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18/24। कई सारे टेबल में एक साथ आ सकता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि कौन कौन से टेबल में साथ आते हैं 18/24। 2 के टेबल में 18 और 24 साथ आते हैं। 2 9 ज़ 18 एंड 2 12 ज़ 24। 3 के टेबल में साथ आते हैं। 3 6 ज़ 18 और 3 8 ज़ 24। 6 के टेबल में भी आते हैं। 6 3 ज़ 18 एंड 6 4 ज़ 24। तो हम इन तीनों टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में भी और 6 के टेबल में। तो हम कौन सा टेबल इस्तेमाल करेंगे? द ग्रेटेस्ट टेबल, यानी 6 का नंबर 6 टेबल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म में चाहिए। ओके, बोथ डिवाइड बोथ द फ्रैक्शंस बाय बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। 6 से डिवाइड कीजिए। 6 3 ज़ 18 एंड 6 4 ज़ 24। हमारे पास आंसर क्या है? 3/4। अब ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल में साथ नहीं आ रहे। इट मीन्स कि ये हमारा लोएस्ट टर्म है। दिस इज़ योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली पिक किया स्टूडेंट, और अगर आपको इस पेज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में भी ये पेज आपको दोबारा रिवाइज कराया जाएगा, आप स्कूल में भी इसको समझ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 24/36। 24 और 36 बहुत सारे टेबल्स में एक साथ ये नंबर आते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन से नंबर में एक साथ आते हैं। 2 के टेबल में आते हैं। 2 12 ज़ 24 और 2 18 ज़ 36। 3 के टेबल में भी आते हैं। 3 8 ज़ 24 और 3 12 ज़ 36। 4 के टेबल में भी आते हैं। 4 6 ज़ 24 और 4 9 ज़ 36। 6 के टेबल में भी आते हैं। 6 4 ज़ 24 और 6 6 ज़ 36। और 12 के टेबल में भी आते हैं। 12 2 ज़ 24 और 12 3 ज़ 36। तो हमारे पास ये कितने टेबल्स में आते हैं? 5 टेबल्स में ये दोनों नंबर आते हैं। बट वी चूज़ 12। वाई? बिकॉज 12 इज़ द ग्रेटेस्ट टेबल, ग्रेटेस्ट नंबर है टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। ओके, डिवाइड बाय 12। दोनों फ्रैक्शंस, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। 12 2 ज़ 24 एंड 12 3 ज़ 36। हमारे पास जो अब फ्रैक्शन आया है, ये फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में आया है, 2/3। अब ये फ्रैक्शन मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी नंबर से। क्यों? बिकॉज ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल में साथ नहीं आते। 2 और 3 दोनों नंबर किसी भी टेबल में साथ नहीं आते, तो इट इज़ द लोएस्ट टर्म, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। स्टूडेंट, दिस इज़ योर पेज नंबर 20। इफ़ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू आर फ्री टू आस्क इन स्कूल ऑल्सो। हम स्कूल में भी इसका रिविजन कराएंगे, आप स्कूल में भी इसको आराम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक नीटली विथ पेंसिल। ओके स्टूडेंट, योर होमवर्क इज डू पेज नंबर 20 इन योर मैथ्स वर्कबुक विथ पेंसिल नीटली, ऑल्सो लर्न टेबल्स रेगुलरली। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, दैट इज प्रेजेंटेशन नंबर 17। टिल देन अल्लाह हाफिज़।